दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय निम्बस अकेडमी फॉर IAS चंडीगढ़। न्यू बैच स्टार्टिंग 19th सितंबर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच अवेलेबल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र ने ADB के तहत 2100 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें प्रदेश सरकार नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने जा रही है। इसके लिए 800 करोड़ रुपए की DPR तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर्स की 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में जो भी सुझाव आएंगे हम उनका अध्ययन करेंगे। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा धर्मशाला के मैक्लोडगंज में रहते हैं, जिसके चलते देश विदेश के पर्यटक व बौद्ध अनुयायी यहां आते हैं। यहां कनेक्टिविटी भी बेहतर है, जिसके चलते कॉन्फ्रेंस को धर्मशाला के लिए चुना गया है। हिमाचल में कनेक्टिविटी का इशू रहता है, यहां एकमात्र सड़क ही कनेक्टिविटी का साधन है। सड़कें भी टूटती हैं, उनकी रिपेयर करनी पड़ती है। प्रदेश में हालांकि 3 एयरपोर्ट हैं, लेकिन छोटे हैं। बड़े हवाई जहाज न आ पाने की वजह से हवाई यात्रियों को ज्यादा खर्च करना पड़ता है। ऐसे में प्रदेश में नए और बड़े एयरपोर्ट की जरूरत है। इस मामले को केंद्र के समक्ष उठाया गया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं, और उन संभावना को ध्यान में रखते हुए जो इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में लिए हैं, पिछले 5 वर्षों में नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन ये आज की आवश्यकता है, और मुझे इस बात की खुशी है कि हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं। और ये जो टूरिज्म मिनिस्टर की कंक्लेव यहाँ पर रखी गई है, इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का की भी धन्यवाद करता हूँ, और जी किशन रेड्डी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं पर्यटन विभाग के, तो उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि धर्मशाला उन्होंने इसके लिए चुना। और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने के पश्चात जो नई चीज़ें सामने आएंगे, नए इनिशिएटिव लेने की दृष्टि से, तो उन सारी चीज़ों पर हम भी विचार करेंगे हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को और बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। हिमाचल में अन्ना मैंने वो बात कही, वो हमारा एक है, एक विषय जो कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी, और धीरे धीरे वो हो रही है, और डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होगा, क्योंकि टूरिस्ट आराम से आना चाहता है, आराम से जाना चाहता है, जल्दी आना चाहता है, जल्दी जाना चाहता है, तो इसलिए उसके लिए सुविधा होगी तो नेचुरली उसका प्रभाव रहेगा। नहीं देखिए, केंद्र ने हमको 2100 करोड़ रुपए का भी हाल ही में स्वीकृत किया है ADB का प्रोजेक्ट, और उसमें हम जो नई डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए 800 करोड़ रुपए की DPR जो है बना करके भेज रहे हैं। नहीं देखिए, उसमें जो कार्यवाही हुई है, दो लड़कों को गिरफ्तार करने की बात उसमें जानकारी में मिली है, वो गिरफ्तारी हुई है, और मैं समझता हूँ कि उसमें कार्यवाही होनी चाहिए जो कानून के मुताबिक है। नहीं देखिए, उसमें जो हमने जो 6 थीम इसमें टूरिज्म के सेक्टर में हमने डेवलप किए हैं, उनको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वैसे भी अपना मुख्यमंत्री भी, अलग अलग प्रांतों के मुख्यमंत्री भी, जो भी पार्टी का होगा, अपना अपना प्रांतों में टूरिज्म विकास के बारे में बातचीत करते रहते हैं। एक हेल्थी कॉम्बिनेशन में चाहता हूं, अपना अपना स्टेट्स में एक हेल्थी कॉम्बिनेशन इस टूरिज्म सेक्टर के विकास में होना चाहिए। तमिलनाडु में ये किया है, मेरे पास क्यों ना हो सकता है, गोवा में ये किया है, मेरा स्टेट में क्यों नहीं हो सकता है। ये मिनिस्टर्स के बीच में, ऑफिसर्स के बीच में एक हेल्थी कॉम्पिटिशन अगर नहीं हुआ, विकास टूरिज्म नहीं हो सकता है। टूरिज्म का मिनिस्ट्रीज का बजट कम है, स्टेट गवर्नमेंट्स का मैं देखते रहता हूं, बहुत बजट कम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो स्थिति है। टूरिज्म का जितना इंपॉर्टेंस रहना चाहिए देश में, जितना बजट एलोकेशन होना चाहिए, उतना बजट एलोकेशन नहीं है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुझे बताया, एक PM गति शक्ति के द्वारा आपका टूरिज्म मिनिस्ट्री का काम बढ़ाना चाहिए। एक मिनिस्ट्री टूरिज्म कुछ नहीं कर सकती, सभी डिपार्टमेंट को टूरिज्म दृष्टिकोण में ऑनबोर्ड लेना पड़ेगा। अभी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसका पावर कैसा रहना चाहिए, इसका वाईफाई कैसा लगाना चाहिए, उसका रोड कैसा होना चाहिए, उसका एयर कनेक्टिविटी कैसा हो,
रोड कनेक्टिविटी कैसा हो, ये विषय पर टूरिज्म डिपार्टमेंट का सभी स्टेट्स का जिम्मेदारी बनता है। आपका स्टेट का जितने भी अदर डिपार्टमेंट से अदर मिनिस्ट्री से उसको कैसे इस कार्यक्रम में भागीदारी कर सकते हैं, करना चाहिए, एक्शन प्लान बनाना चाहिए, उसको इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए, रेस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर से बातचीत करना चाहिए। अगर ये काम नहीं हो सकता है आपका स्कीम का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम से टूरिज्म कभी नहीं बढ़ेगा। होल ऑफ गवर्नमेंट इस विषय पर सोचने का, इस विषय पर मिशन मोड पर चलाने का काम हम सभी सेक्रेटरी से मैं अनुरोध करता हूं, ये काम होना चाहिए। मैं चाहता हूं एक एक मार्गमेंट में लोगों का जन भागीदारी होना चाहिए, एक एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जन भागीदारी होना चाहिए। जन भागीदारी से छोटे छोटे कार्यक्रम, एक स्वच्छ भारत का काम हो सकता है उस मार्गमेंट, उसका मार्केटिंग हो सकता है। न्यूजीलैंड से हमारे देश में क्या कमी, क्यों भारत के लोग न्यूजीलैंड जाते हैं, भारत के लोग क्यों धर्मशाला नहीं आते, भारत के लोग क्यों मेघालय नहीं आते, भारत के लोग क्यों उत्तराखंड नहीं जाते हैं, ये हमारे लिए चैलेंज है। हमारे देश में कोई नेचुरल ब्यूटी कम नहीं है, हमारे देश में कोई मॉन्यूमेंट्स कम नहीं है, मगर हमारा सोच में गलत है, हमारे प्लानिंग में गलत है, हमारे इंप्लीमेंटेशन में गलत है, हमारा कोऑर्डिनेशन में कम है। मैं पत्रकार के सामने बोल सकता हूं, कोई इसमें डरने की बात नहीं, सबको मालूम। इसलिए हम होल ऑफ गवर्नमेंट दृष्टिकोण से टूरिज्म डिपार्टमेंट को ले जाना चाहिए। देश में अलग अलग देश टूरिज्म के द्वारा ही उनका रेवेन्यू बढ़ता है। भारत में भी आने वाले दिन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है टूरिज्म का जीडीपी बढ़ाना चाहिए। जितना एम्प्लॉयमेंट टूरिज्म के द्वारा मिलता है, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट टूरिज्म के द्वारा मिलता है। अब दूसरा कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो, दूसरा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो, दूसरा जो भी हो, उससे जितना इन्वेस्टमेंट के द्वारा उतना एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ज्यादा टूरिज्म के द्वारा लोगों को मिल सकते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।